गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के पहले मामले जो है देश में निकलकर सामने आए, जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी थाने में मौजूद है जहां पर पुलिस की कार्रवाई इतनी तेज आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अब दूसरे आरोपी पर शिकंजा बढ़ चुका है। कई पुलिस की टीम जो है इस वक्त मुंबई में मौजूद है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मुंब्रा से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि बहुत बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया धर्मांतरण को लेकर। 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। एक फोन आता है यूपी पुलिस के पास, जानकारी ये मिल रही है कि एक दिन पहले गुजरात से ये फोन आया जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि मुंब्रा इलाके में 400 ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण करवाया गया, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। लेकिन इस पूरे मामले की जांच के लिए कई ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो कि सीधे तौर पर अपने कदम को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। केवल एक फोन आया है और उसी के आधार पर अपनी जांच को आगे पहुंचाने की कोशिश यहां पर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कई जांच एजेंसियां हैं जो कि सीधे तौर पर अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाती हुई। इस वक्त मेरी सहयोगी श्रेया जो है ग्राउंड जीरो से मौजूद है। श्रेया, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला, मुंब्रा इलाका जहां पर बद्दो नाम का शख्स रहता था जिसकी तलाश लगातार जारी है, और उसी इलाके से 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप। ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि अभी भी बद्दू का जो पता है वो पुलिस को नहीं लग पाया है। 5 दिन पहले ही बद्दू अपने घर से पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस को जो है एक कॉल आता है गुजरात से, जिसमें जानकारी दी जाती है कि मुंब्रा इलाके में जहां बद्दू रहता है वहां पर 400 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण हुआ है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि हो सकता है बद्दू के साथ और भी कई सारे लोग इस पूरे गेमिंग ऐप में जो है मुंब्रा से शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हम मुंबई के क्राइम ब्रांच में मौजूद हैं और जैसे कि आपने बताया कि कई सारी पुलिस की एजेंसीज जो है वो इसमें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि 400 जो है वो खुद में ही काफी बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस कॉलर ने गाजियाबाद पुलिस को कॉल किया था उसने कुछ नंबर्स और दस्तावेज जो है वो पुलिस को दिए हैं और पुलिस लगातार जो है उसकी जांच कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि थाने पुलिस जो है वो भी लगातार बद्दू को ढूंढ रही है, क्योंकि अब ऐसी जो बात 400 लोगों के धर्मांतरण की सामने आई है तो ऐसे में बद्दू को पकड़ना काफी ज्यादा जो है बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस धर्मांतरण को लेकर आखिर किस पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है? क्या गेमिंग ऐप के जरिए ज्यादातर बच्चों को टारगेट किया गया, या फिर हर उम्र के लोगों को सीधे तौर पर बरगलाया गया, फुसलाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, अपने धर्म के प्रति विरुद्ध किया गया और धर्म विशेष के प्रति प्रेरित किया गया? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अब जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फोन कॉल आता है यूपी पुलिस को जिसमें सीधे तौर पर जो फोन कॉलर है ये कहता है कि मुंब्रा इलाके में 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। देखिए, ये मुंब्रा इलाका जहां से बद्दो की जो है लास्ट लोकेशन मिली थी, इसी इलाके में बद्दू नाम का शख्स जो कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, सरगना है, वो अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन 5 दिन पहले अपने परिवार के साथ लापता हो जाता है। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसके घर में ताला जड़ा हुआ मिलता है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस को शक ये है कि 400 किलोमीटर के दायरे में वो छिपा हुआ है। हालांकि लॉजिस्टिक मदद लगातार उस तक पहुंचाई जा रही है, पैसा गाड़ी पहुंचाई जा रही है जिसके जरिए वो एक लोकेशन को छोड़कर दूसरी लोकेशन शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ये दावा भी कर रही है कि बहुत जल्द बद्दू नाम का ये सरगना मास्टरमाइंड बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। श्रेया का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। श्रेया, शुरुआती तौर पर क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपको हाथ लग पा रही है कि क्या ये केवल बच्चों को टारगेट किया गया इन 400 लोगों में, या फिर सभी उम्र के लोगों को टारगेट किया गया था, और क्या गेमिंग ऐप के जरिए ही इस्तेमाल किया गया था इन्हें? देखिए, 400 जो है वो आपस में ही एक बड़ा आंकड़ा है, तो ऐसे में अब ये पता लगाना काफी ज्यादा अहम है कि क्या वही गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को टारगेट किया गया है, या इसमें और भी कई सारे लोगों को शामिल करके कई सारे लोगों का धर्म परिवर्तन जो है वो करवाया गया है। क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि मुंब्रा से ही सिर्फ 400 लोगों के धर्मांतरण की खबर जो है वो सामने आई है। ऐसे में अब जब बद्दू हाथ लगेगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पुलिस का कहना है कि 400 मीटर के दायरे में ही जो है वो बद्दू छुपा हुआ है, ऐसे में जब बद्दू पकड़ा जाएगा तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होगा कि बद्दू के साथ मुंब्रा में और कितने सारे लोग। बिल्कुल, शेयर लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। लेकिन इस बीच बिल्कुल जांच लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट बाइट आपको सुनवा देते हैं। गाजियाबाद के डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है इस पूरी खबर को लेकर, जो कि फोन आता है गुजरात से जिसमें दावा किया गया 400 लोगों के धर्मांतरण का, सुनिए। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी गाजियाबाद निपुण अग्रवाल है। सर, एक बड़ा खुलासा ये आ रहा है कि कई लोग
जो महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके से जुड़े हैं उनका धर्मांतरण हुआ है, क्या है इस मामले में अपडेट? 30 मई को ये अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमें बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी सामने आई थी, जो कि मुंब्रा थाना क्षेत्र थाने के रहने वाले हैं। तत्काल इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम रवाना कर दी थी और आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई थी। इसके बाद ही हमको गुजरात से कुछ फ़ोन आने चालू हुए जिसमें कि वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों का धर्मांतरण हुआ है और जिनके तार मुंब्रा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मुंब्रा में कई लोग का कन्वर्ट हो चुका है और उन्होंने कुछ फ़ोन नंबर्स और कुछ ऑडियो क्लिप्स वगैरह शेयर करी हैं, जिसकी भी पुष्टि करना अभी हमको बाकी है। क्या उन लोगों से आपने बातचीत की है जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, शेयर किए गए हैं गुजरात वाले कॉलोनी? अभी हमारी टीम्स उस पर लगी हुई हैं, उनको अभी वेरीफाई करना बाकी है, पर उन्होंने बताया कि 300-400 लोग का वहाँ पे कन्वर्जन हो चुका है और मुंब्रा में ये हब है जो कि ये काम कर रहा है, बट स्टिल उसको वेरीफाई करना अभी हम बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि मुंब्रा से जिस तरह से बद्दो जो फर्जी नाम की आईडी खान शाहनवाज इस्तेमाल कर रहा था, उसका नेटवर्क ही इन लोगों के साथ भी जुड़ा हो सकता है? देखिए, ये तो पुष्टि के बाद ही हम बता पाएंगे, एक बार जब शाहनवाज की अरेस्टिंग हो जाएगी तो उनसे पूछताछ करके हम आपको कन्फर्म कर पाएंगे। तो गाजियाबाद में जो धर्मांतरण होता है इसमें मस्जिद कमेटी के 10 सदस्यों से पूछताछ होती है, अभी 15 सदस्यों से पूछताछ होगी। जानकारी ये मिली है कि जिस मौलवी को गिरफ्तार किया गया है न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, दरअसल उसे मस्जिद कमेटी से 2 महीने पहले ही निकाला गया था। मेरी मौजूदगी इस वक्त है देवबंद में, और देवबंद में क्योंकि जो हमने धर्मगुरुओं से प्रतिक्रिया ली है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो इसकी इजाजत इस्लाम बिल्कुल भी नहीं देता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 10 सदस्यों से पूछताछ हुई है, जो मस्जिद कमेटी के टोटल 15 मेंबर है उनसे पूछताछ होगी। और इसमें जो जानकारी समझ में आई है कि मौलवी जिसको गिरफ्तार किया गया है जिसमें उसमें उसका सीधा रोल है, क्योंकि जो नाबालिग बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे उससे ये मौलवी मुलाकात करता था, और इसमें ये कहा जाता था जो गेमिंग ऐप के जरिए कि बच्चे किसी से मिलेंगे नहीं, किसी को इस बात की जानकारी नहीं देंगे कि वो मस्जिद में आए हुए हैं। और ऐसे में अब जो मस्जिद कमेटी के मेंबर से पूछताछ हुई है, अभी तक 10 मेंबर से पूछताछ हो चुकी है क्योंकि आतंकी मौजूद भी इसमें सामने आ रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी है, आईबी भी जांच कर रही है। मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त लाइव मौजूद है। दीपक, जो मस्जिद कमेटी के सदस्यों से पूछताछ हुई है, कई सदस्यों से पूछताछ होनी बाकी है, क्या क्या खुलासे इसमें हुए हैं? देखिए, जो मस्जिद कमेटी के 15 मेंबर हैं उनकी टीम से लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, गाजियाबाद पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि 10 के आसपास जो मंदिर मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा चुकी है। ये वही लोग हैं जो पिछले कई सालों से उस जगह पर काम करते थे, उस जगह पर कमेटी के मेंबर हैं, और जो मौलवी जिसे गिरफ्तार किया गया है अब्दुल रहमान, वो इसी कमेटी का मेंबर था। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस केस के बारे में जरूर जानते हैं, और इसी वजह से जो गाजियाबाद पुलिस है वो इस पूरे मामले में कमेटी के कोई 15 सदस्य है, 10 सदस्यों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी भी 5 ऐसे सदस्य बाकी है जिनसे पूछताछ होना बाकी है। और ऐसे में जोर इसी बात का है कि सभी से पूछताछ कर ली जाए, उनके बयान दर्ज करवा लिए जाए, ताकि आगे अपनी जांच को बढ़ाने में वो मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जानकारी आप तक ये पहुंचाते, गाजियाबाद धर्मांतरण को लेकर रोज नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बद्दो नाम के इस शख्स जो कि ये सरगना है, मास्टरमाइंड है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर नाबालिगों के टच में नहीं था, बल्कि एक चेन के जरिए वो जुड़ता था, डायरेक्टली उसका कॉन्टैक्ट नहीं था। पहले एक नाबालिग से वो बात करता था, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, और एक ब्रिज के तौर पर जो है गेमिंग ऐप काम करता था, और इसी गेमिंग ऐप के जरिए इन नाबालिगों से वो जुड़ता था, और सीधे तौर पर देश के 4 बच्चों को उसने टारगेट किया था। देखिए, ये वो गेमिंग ऐप है जो कि ज्यादातर फेमस है 14 से 18 साल के बच्चों के बीच में, ज्यादातर बच्चे इस गेमिंग ऐप पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो बच्चे इस गेम को नहीं जीत पाते थे, हताश या निराश होते थे, उसी का ये लोग फायदा उठाते थे और उन लोगों को बरगलाते थे, कहते थे कि देखिए आयते आप पढ़ लीजिए, आयते आप पढ़ेंगे तो गेम जीत जाएंगे, और जानबूझकर उन्हें गेम जितवा देते थे ताकि इस्लाम के प्रति उनका भरोसा कायम हो। ये रिपोर्ट आप देखिए और पूरा का पूरा खेल आप समझ पाएंगे कि कैसे साल दर साल इन लोगों को टारगेट किया गया।